अगस्त महीने विच पंजाब विच औसत नालों घट बरसात रिकॉर्ड की गई है, पर नाल लगते हिमाचल प्रदेश विच हो रही बरसात ने पंजाब विच काफ़ी थावां ते बाढ़ वर्गे हालात बना दिते ने। पाखड़ा डैम ते पौंग डैम दोनों के गेट खोले जा चुके हैं। इन्हां दोनों डैम्स विच पानी खतरे के निशान तो उपर पहुँच चुकया है, जिस की वजह नाल इन्हां विचों पानी छड़ना जरूरी हो गया है। मंगलवार को पाखड़ा डैम के गेट 10 फीट तक खोले गए, पर बाद विच इन्हां नूं बंद कर दिता गया। बुधवार यानी आज सवेरे एक बार फिर तो पाखड़ा दे गेट खोलने पे। इसी तरह पौंग डैम तो भी पानी लगातार छड़िया जा रहा है। इन्हां डैमां तो पानी छड़न तो बाद पंजाब दे कई इलाकों विच हालात खराब होने शुरू हो गए ने। ब्यास नदी का पानी का लैवल वधन की वजह के नाल होशियारपुर और गुरदासपुर जिले में कई पिंडों नूं खतरा हो गया है। कपूरथला के पौलत हल्के विच भी हुण हालात खराब होण लग गए ने। ब्यास नदी नाल वसे हुए मंड तलवंडी कूका, मंड सरदार साहिब, मंड रायपुर अरैया वगैरह पिंडा दे विच पानी वध गया है। गुरदासपुर अते होशियारपुर जिले में NDRF दीआं टीमां भी पहुंचियां होईआं ने ते इन्हां ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिता है। रात दे समय NDRF दी टीम हरसा वेला पिंड विच पहुंची ते लोकां नूं इत्थों कढ़न दा काम शुरू किया, पर हनेरे कारण इस टीम नूं ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अज भी इत्थे ऑपरेशन जारी है ते फसे हुए लोगों नूं कढ़िया जा रहा है। भगवंत मान सरकार विच मंत्री हरजोत बैंस ने इस पिंड का दौरा किया ते जाती तौर पर हालातों के नाल वाकिफ होने की कोशिश की। इस दे नाल नाल हुण सरकार फौज ते एयरफोर्स की मदद लैण बारे भी सोच रही है। बाढ़ नाल प्रभावित रूपनगर जिले में मार्शल अकैडमी ते पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के ग्राउंड नूं हैलीपैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब सरकार दे बुलारे का कहना है कि जिन्हां इलाकों में कश्तियां नहीं जा सकदियां उत्थे पीड़ितों एयरलिफ्ट करवाया जाएगा। उधर पौंग डैम तो छड़े गए पानी का असर गुरदासपुर ते नाल लगते मुकेरियां दे पिंडां विच वेखण नूं मिल रहा है। पिंड महताबपुर, मोतला, हलेट अते जनार्दन विच पानी आ गया है। हालांकि पानी आने तो पहला प्रशासन वालों लोगों को सूचित किया गया सी ते उन्हां नूं महफूज थावां ते जाण दी हिदायत दित्ती गई सी। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल का कहना है कि पानी की आमद तो बाद पिंड भैणी पसवाल के कोल तुसी डैम फिर तो टुट गया है ते नीवे इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। तुसी डैम की दरार की वजह के नाल चिचियां चोरियां, पखोवाल, खैरा, दलेरपुर, पड़ाना वर्गे पिंडां विच बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया है। जिला प्रशासन ने एहतियातन मुकेरियां पुल बंद कर दिता है ते गुरदासपुर मुकेरियां ट्रैफिक दीनानगर राही भेजना शुरू कर दिता है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि सरकार उन्हां दीआं औकड़ां नूं घट करन विच फेल साबित हो रही है। कई पिंडां विच लोगों का कहना है कि उन्होंने पानी आने बारे कोई जानकारी नहीं दी गई ते हुण पानी नाल घिरे लोगों नूं सुरक्षित कढ़न विच भी देरी की जा रही है।